अलकुम वेलकम बैक टू माई चैनल कैसी मेरी YouTube फैमिली आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं आज जी है जुम्मा मुबारक और जुम्मे का दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है वैसे तो इंसान नमाज वगैरह ज़ाहिर रोज़ ही पढ़ता है लेकिन जो जुम्मे के दिन पढ़ते हैं ना नमाज उसका तो सुकून उसका मज़ा ही कुछ और होता है।, है ना तो फिलहाल तो जनाब मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में मैं बनाने लगी हूँ अपना नाश्ता आज मैं बनाऊंगी अपने लिए ऑमलेट और सिर्फ उसको मैं खाऊंगी फोक से और उसके बाद पीऊंगी एक मजे की कॉफी नाश्ता जो है रोजाना एक जैसा करने को दिल कोई नहीं करता है ना यानी कि बस दिल करता है कि डिफरेंट डिफरेंट नाश्ता हो तो मैं काफी दिन हो गए थे ऑमलेट नहीं खाया था तो मैंने सोचा कि चलो आज जो है ना ऑमलेट खा लेती हूँ वैसे आजकल मैं सुबह के टाइम ना सिर्फ योगर्ट खा रही थी और उसमें कोई फ्रूट वगैरह डाल के थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल के बस लेकिन आज मेरा दिल किया कि चलो आज आमलेट खाते हैं और उसको इन्जॉय करते हैं उसके बाद जनाब मुझे जाना था ड्राइंग रूम में क्योंकि मैंने लगाने थे कुछ बर्तन अपनी अलमारी में सारे तो आज मुझे वो सारे बर्तन लगाने थे क्योंकि काफी दिन हो गए थे मैं ड्राइंग रूम की तरफ गई ही नहीं थी इतनी मसरूफियत थी ना मैं आपको क्या बताऊँ बस मैंने सोचा कि आज तो जो मर्जी हो जाना ये काम हर सूरत में मैंने कम्प्लीट करना है एक तो शादियाँ इतनी चल रही हैं इतनी ज़्यादा शादियाँ आई हुई हैं आप लोगों की भी आई हुई हैं क्या बताएं मेरा तो ख्याल है हर किसी की नवंबर दिसंबर में ना हर किसी के घर कहीं ना कहीं पे ऐसा ही होता है कि जनाब शादियां 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 हमारे तकरीबन पाँच छह शादियां नवंबर में है और तीन चार जो है ना वो दिसंबर में है तो बंदा जो है ना शादियाँ भी अटेंड कर कर करके ना थक जाता है यकीन करें मुझे तो ना ऐसे कोफ्त तो होने लग जाती है कि ये ला जाना है शादी पे तैयार होना है बड़ी हजियत होती है है ना मेरे मुझे तो बहुत होती है चलो कभी कभी शादी आ जाए ना फिर तो चलो और बात होती है लेकिन ये रूटीन में जो आ रही होती है ना इनसे तो बंदा बड़ा जो है ना वो जहनी तौर पर कोफ्त का शिकार हो जाता है तो मैं तो कोफ का शिकार इसलिए हो जाती हूँ कि मेरे सारे घर के काम ये हर चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है पता होता है कि आज कभी किसी की दोपहर को है और आप यकीन करें कि एक आध शादी जो है ना वो दिन में दो हैं एक किसी की अगर बरात है ना दोपहर को तो रात को वलीमा अटेंड करना है ये हालात हैं तो खैर शादियां तो चलती रहेंगी तैयारियां भी चलती रहेंगी यहाँ पर जनाब मेरा बन गया नाश्ता और मैंने सुकून से ना पहले नाश्ता किया मुझे ये होता है कि बस मैं सुकून से बैठ के पहले कुछ खा लूँ उसके बाद जो काम है ना उसके बाद फिर करूँ क्योंकि आपको पता ही है कि शादी हो बारात हो कुछ भी हो घर के काम तो किसी सूरत नहीं खत्म होने और मेरा ख्याल है कि रोजाना के रोजाना ना कोई ना कोई, कोई काम घर का निकला ही रहता है अब मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैंने अपनी मशीन की डीप क्लीनिंग करनी थी वो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं उसकी डीप क्लीनिंग करूं क्योंकि जो मशीन होती है ना उसकी डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है अगर वो ना की जाए ना तो मशीन का ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं ख़राब होने के खैर वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जब मैं उसकी क्लीनिंग करूंगी और जनाब यहाँ पर जब मैंने नाश्ता कर लिया तो मेरे बेटा उठ गया उसने बोला कि मामा मुझे भी आप आज ना ऑमलेट ही बना दो तो मैं भी वही खाऊंगा क्योंकि जो ऑमलेट की खुशबू है ना पूरे घर में फैल रही थी और उसको जो है ना मुझे लगता है खुशबू आ गई तभी उसने मुझे कहा कि आज मैं भी ऑमलेट ही खाऊंगा <laughs> तो जनाब अपने बेटे को नाश्ता दे के खुद नाश्ता वगैरह करके मैं आ गई अपने ड्राइंग रूम में मैंने अपना ड्राइंग रूम तो आप लोगों को दिखाया हुआ है शेयर किया हुआ है लेकिन डाइनिंग रूम नहीं दिखाया तो मैंने सोचा कि ये जो बर्तन है मैंने ये लगाने हैं तो साथ के साथ आप लोगों को अपना डाइनिंग रूम भी दिखा देती हूँ तो बस ये सारे बर्तन जो थे ना ये मैं अंदर रख रही थी ये फ्लास्क मेरे मेहमान आए थे तो इसमें बारह कप आ जाते हैं ये बड़ी सारी है और ये जनाब मेरे जहेज की आप सोचें तो ये मैं अंदर रखने लगी थी धुरवा के मैंने रखी थी तो मुझे था कि ये कहीं गिर के टूट ना जाए तो इसको मैं सबसे पहले इसको अंदर रखूं तो बड़ी जबरदस्त जो है ना ये काफी सारे मेहमान बंदे हो ना अगर बारह तेरह बंदे तो आराम से इसमें चाय आ जाती है और गर्म रहती है और बड़ी अच्छे आराम से डलती है कप नीचे रखो और आराम से चाय जो है ना सर्व हो जाती है तो बस ये मैंने अंदर रखी उसके बाद ये सारी जो प्लेट्स हैं ये रखे चम्मच वगैरह पड़े हुए थे वो रखे तो बस जी अपने दिन को बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहिए क्योंकि जब सारी वगैरह हो जाती हैं ना तो वैसे ही घर बड़ा अच्छा लगने लग जाता है तो मेरी कोशिश यही होती है कि फटाफट सफाइयों से फारिग हो जाए तो आज कल इतनी मसरूफियात चल रही थी कि मैंने सोचा कि मैं आराम से सुकून से डाइनिंग रूम को अपने साफ करूंगी तो आज शुक्र है कि मुझे टाइम मिल गया और इसके बाद फिर जुम्मा वगैरह था तो मैंने कहा कि फटाफट जो है ना जुम्मा भी पढ़ना है तो आज इसके अलावा कोई काम नहीं करना तो बस ये मैं लगा लू ताकि जो है ना फारिग हो जाऊ खैर ये भी नहीं कहा जा सकता कि हम फारिग हो जाएं क्योंकि फारिग तो इंसान किसी टाइम भी नहीं होता घर के काम कोई ना कोई निकले ही रहते हैं और दिन ऐसे छोटे से हो गए हैं आज मैं सोच रही थी कि जब गर्मियां थी ना तो इतने लंबे लंबे दिन थे वो दिन इतना छोटा लगता था पता ही नहीं चलता था भाग जाता था दिन मिनट में गुजर जाता था अब तो सर्दी आ गई है तो ये तो पता ही नहीं चलना पलक झपकते ही जो है ना सारा दिन खत्म हो जाना है तो बस काम तो ये है ना कि काम तो ख़त्म नहीं होते मगर टाइम जो है ना फटाफट खत्म हो जाता है इसलिए टाइम रहते अगर कुछ कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है और ये है जनाब मेरा डाइनिंग रूम और मुझे बताना कमेंट्स में आप लोगों को कैसा लगा मेरा डाइनिंग रूम और मेरे डाइनिंग रूम में ना ये यानी इसकी जो दूसरी साइड है ना मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ से पूरा मेरा जो किचन है ना उधर से मेरा गैराज का दरवाज़ा जो गेट है ना वो सारा नजर आता है तो अगर कोई यहाँ से तो मुझे ये होता है कि जब कोई आए जाए ना दरवाजा ये मेरे जो इसका डोर खुलता है ना तो आराम से मैं किचन से देख लेती हूँ क्योंकि मेरा टाइम जो है ना किचन में ही गुजरता है तो आपको पता ही है बच्चे हों माशाल्लाह तो फिर वो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो फिर ये है बंदा मामा ये बना दो मामा वो बना दो बस यही होता है तो ये जनाब यहाँ से मेरी देखनी होती है सामने गेट पे अगर कोई आ जाए तो पता चल जाता है कोई आया गया गेट के ऊपर सामने नज़र पड़ती है ना तो आसानी रहती है और मैं पर्दा पीछे करके रखती हूँ ताकि मुझे नज़र आता रहे ना तो खैर जनाब उसके बाद मैंने जब ये सारा साफ़ कर लिया तो उसके बाद मैं आ गई अपनी आ, कपड़े प्रेस करने अपने बेटे के क्योंकि जुमा उसने पढ़ने जाना था और उसके बाद फिर मैंने कहा था इसको फारिग करके तो उसके बाद आराम से फिर अपना काम जो है ना मैं अपने कपड़े वगैरह प्रेस करूंगी और उसके बाद फिर नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे खैर जी उसके बाद रात का टाइम हो गया और उसके बाद जनाब हमें कुछ सामान लेना था मैंने ब्राउन राइस लेने थे और जनाब अलफतः जो है ना वो हमारे सरगोदा से जा चुका है और अब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है कि मैं जो चीज़ें लिया करती थी वो अब बिल्ली में मुश्किल हो गई है तो खैर मैं यहाँ इम्तियाज आई थी मैं अलफत से ही शॉपिंग करती थी और मुझे उनकी हर चीज़ उनके मसाला जात बहुत पसंद थे मुझे तो खैर अब ये है हमारे पास तो इस इधर आ गई थी और मुझे कुछ मिल नहीं रहा था जो मैं चाह रही थी खैर शुक्र अलहमदिल्ला राइस मिल गए मुझे तो वो मैंने लिए और उसके बाद छोटी मोटी और चीज़ें ज्यादा तो इतनी शॉपिंग नहीं करती छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी और मुझे जो है ना कोकोनट ऑयल लेना था आ, तो वो लिया मैंने बस उसके बाद फिर हम घर आ गए और जनाब ये था मेरा व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा है इसको सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स और मुझे दें इजाज़त इंशाल्लाह ताला मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर अल्लाह हाफिज़